अस्सलाम वालेकुम, आई एम हरासम एंड वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जो कि डाइवर्सिटी पे है। सबसे पहले हम डाइवर्सिटी को डिफ़ाइन करेंगे। डाइवर्सिटी होती क्या है? डाइवर्सिटी को बहुत डिफरेंट वेज में जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। अगर हम उनमें से कुछ को देखें कि डाइवर्सिटी को इन टर्म ऑफ रेस, जेंडर, एथनिसिटी, एज, नेशनल ऑरिजन, रिलीजन और डिसेबिलिटी की बेस पे भी डिफ़ाइन किया जाता है, और इससे सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेस पे, वैल्यूज़, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, एजुकेशन, लैंग्वेज, फिजिकल अपेयरेंस, मैरिटल स्टेटस, लाइफ स्टाइल, बिलीव्स और बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आपका जियोग्राफिकल रीजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी और इकोनॉमिक स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है डाइवर्सिटी को। अगर हम हेल्स की डेफिनेशन देखें डाइवर्सिटी, तो वो कहते हैं कि ऑल द वेज इन विच वी डिफर, वो तमाम वेज जिनमें हम जिनसे हम डिफर करते हैं एक दूसरे को, जिसमें हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, वो तमाम चीज़ें, यानी कि जो ऊपर जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सारी इसमें समअप हो जाती हैं। आपके जो है वो रेस आ जाती है, आपका जेंडर आ जाता है, एथनिसिटी, एज, नेशनल ऑरिजन, बिलीव्स, लाइफस्टाइल्स, आपकी एजुकेशन, लैंग्वेज, फिजिकल अपेयरेंस, पर्सनालिटी, ये तमाम चीज़ें जो आपको डिफर करती हैं एक दूसरे से, दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। और इसने कहा था कि डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि जो लोग ट्रेडिशनली सोचते हैं कि बस रेस, जेंडर, डिसेबिलिटीज़ ही जो हैं वो डाइवर्सिटी में आती हैं। उसके बाद मॉरिसन ने कैटेगराइज किया था डाइवर्सिटी को 4 लेवल्स पे। उसने कहा था डाइवर्सिटी एज रेशियल, एथनिक और सेक्सुअल बैलेंस। ठीक है, डाइवर्सिटी में हम एक तो रेशियल, एथनिक और सेक्सुअल ओरिएंटेशन देखते हैं। डाइवर्सिटी एज अंडरस्टैंडिंग अदर कल्चर्स, डाइवर्सिटी में हम अदर कल्चर्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। डाइवर्सिटी एज कल्चरली डाइवर्जेंट वैल्यूज, डाइवर्सिटी जब वैल्यूज़ जो हर कल्चर की होती हैं उन्हें डाइवर्स करती है। डाइवर्सिटी एज ब्रॉडली इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब कल्चरल, सब कल्चरल और इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करना, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। उसके बाद ग्रीक्स ने जो है वो डाइवर्सिटी की दो डायमेंशन बताई थी, प्राइमरी डायमेंशन और सेकेंडरी डायमेंशन। प्राइमरी डायमेंशन में वो चीज़ें आती हैं जो हमें इनबॉर्न जो है वो ह्यूमन डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, उसमें जो आपकी अर्ली सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट करती हैं और आपकी पूरी लाइफ को जो है वो इम्पैक्ट करती हैं, इसमें जो है वो आपकी एज आ जाती है, आपकी एथनिसिटी आ जाती है, आपका जेंडर बाय बर्थ होता है, आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ बाय बर्थ होती हैं, आपकी रेस क्या है और आपकी सेक्सुअल या अफेक्शनल ओरिएंटेशन क्या है, ये जो है वो प्राइमरी डायमेंशन में आते हैं जो बाय बर्थ होती हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रीग्स ने जो है वो कहा था कि जो प्राइमरी डायमेंशन है उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनबॉर्न होती हैं, तो हम उन्हें जो है वो चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट होती हैं प्राइमरी डायमेंशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये जो है वो उसने प्राइमरी डायमेंशन का जो है वो बताया था। सेकेंडरी डायमेंशन में वो तमाम चीज़ें आती हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं एफर्ट्स के साथ। ठीक है, परमानेंट होती हैं वो चेंज नहीं हो सकती, सेकेंडरी को हम चेंज कर सकते हैं। उसमें हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड आ जाता है, हमारी जियोग्राफिक लोकेशन आ सकती है, हम जो है कहीं और किसी और जियोग्राफिकल लोकेशन में मूव कर सकते हैं, हमारी इनकम आ सकती है, हम जो है वो ज़्यादा एफर्ट पुट करके अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस होता है वो आप चेंज कर सकते हैं, आप पहले सिंगल होते हैं बाद में आप जो है वो कमिटेड या इंगेज हो जाते हैं, मिलिट्री एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, आपकी पेरेंटल स्टेटस आ जाता है, आपके रिलीजियस बिलीव्स आ जाते हैं, वर्क एक्सपीरियंस। अगर हम और इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स में कल्चर डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम रिलीजियस बिलीव्स को देखें तो हमारे लिए जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो प्राइमरी डायमेंशंस में आते हैं। ठीक है, हमारे लिए रिलीजियस बिलीफ प्राइमरी डायमेंशन में आते हैं जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। बीइंग अ मुस्लिम, हम जो है अपने रिलीजियस बिलीफ चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे लिए जो रिलीजियस बिलीफ हैं वो प्राइमरी डायमेंशन में आते हैं। वैसे अगर ओवरऑल जनरली देखा जाए, यूनिवर्सल उसमें देखा जाए, तो रिलीजियस बिलीफ जो है वो सेकेंडरी डायमेंशन में आते हैं। उसके बाद डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट खुद इतना डाइवर्स है कि उसे जो है वो कोई डेफिनेट जो है वो डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। ठीक है, उसके बाद हम बेनिफिट्स देखते हैं क्या होते हैं डाइवर्सिटी के।
अगर देखा, अगर हम बिज़नेस उसमें देखें तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी, जब आप एक बिज़नेस इन्वायरमेंट में डाइवर्सिटी क्रिएट करते हो, डिफरेंट रेस से, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन से लोग आते हैं, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो उससे क्या होता है, मोर ग्लोबल हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स, वैल्यूज़ होती हैं, मोटिवेशन, वर्क स्टाइल डिफरेंट होते हैं, लाइफ स्टाइल डिफरेंट होते हैं, फैमिली रूल्स डिफरेंट होते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो मोर ग्लोबलाइज्ड हो जाती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन से को हमेशा जो है वो डाइवर्सिटी से बेनिफिट पहुँचता है। सबसे पहले क्या होता है, इम्प्रूव होती है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस किस तरह से होती है कि डिफरेंट जो है वो रेशियल बैकग्राउंड से लोग होते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, उनका रिलेशनशिप को इंटेंसीफाई करते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ में उनकी जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद कल्चरली डाइवर्स लोग आते हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं, उनके वर्क एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, उनका नॉलेज डिफरेंट होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अप्रोचेज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग की जो अप्रोचेज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनकी क्रिएटिव जो है वो डायमेंशन चेंज होती हैं, उनके जो है वो आइडियाज़ डिफरेंशिएट करते हैं। इससे क्या होता है कि इम्प्रूव होता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट सेविंग होता है, फेलियर टू मैनेज डाइवर्सिटी है सिग्निफिकेंट कॉस्ट इम्प्लिकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च ने इंडिकेट किया है कि टर्न ओवर जो होता है ना वो अमंग वुमेन सिग्निफिकेंट और कॉस्टली होता है। ये फार्मास्यूटिकल्स में जो है वो स्टेट किया जाता है कि दैट इज डाइवर्सिटी इनिशिएटिव रिजल्ट इज आर सेविंग 500,000 मेनली फ्रॉम लोअर टर्न ओवर अमंग वुमेन एंड एथनिक माइनॉरिटीज। कि अगर जब उन्होंने डाइवर्सिटी को जो है ना वो इनिशिएट किया था वुमेन को लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो टर्न ओवर रेट जो है वो बहुत कम हो गया था और उनसे उनके जो कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा हुई थी। इसको हम एक इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम जब डाइवर्स डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से या डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से जो है वो वुमेन को लेके आते हैं ना, तो हर वहाँ पर जो है ना वो एक करियर ओरिएंटेड, अगर हम डिफरेंट कल्चर से लेकर आ रहे हैं तो हम वहाँ से जो है वो सिर्फ करियर ओरिएंटेड जो है ना वो वुमेन पिक कर सकते हैं, जो है वो अपनी करियर में जो है वो फ्लरिश करना चाह रही हैं। उससे क्या होगा कि वो टर्न ओवर रेट उनका कम होगा, उन्हें काम करना है, उन्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इससे टर्न ओवर रेट कम होगा और ये कॉस्ट सेविंग भी होता है। उसके बाद रिक्रूटमेंट और रिटेंशन, इसमें ये होता है कि आपको रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, किस तरह से कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग लेकर आते हो, ठीक है। स्किल जो आपको टैलेंट रिक्वायर होता है आप उसको जो है वो लेकर आ जाते हो। एक अगर लेबर टाइट मार्केट होगी तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको वो जो आपका अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं वो मिल जाएँ। लेकिन जब आप एक डिफरेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक 50 की पॉपुलेशन से जो है वो 10% हायर करना चाह रहे हो, आप 10 हायरिंग चाह रहे हो 50 की पॉपुलेशन से, आप 50 लोगों में 10 वो स्किल्ड लोग ढूंढना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको एक ब्रॉडर जो है वो कैनवस पे लेकर जाओ और आप जो है वो किसी 100, 200, 300, 400 के लोगों में से वो 10 लोग जो एक्सट्रैक्ट करो, तो आपको उनमें से जो है वो बेस्ट सूटेबल लोग जो है वो मिल सकते हैं। डाइवर्सिटी इस तरह से आपको रिक्रूटमेंट में जो है वो हेल्प करती है और इस तरह से रिटेनमेंट में भी जो है वो हायर करते हैं। एक्सेलेंट आपको एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप से, तो उनका जो है वो उनकी स्किल्स भी ऑब्वियसली फिर उनका उनकी जो इससे जो है वो रेशली मोटिवेटेड जॉब ट्रीटमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को कम करता है, ठीक है। इससे आपका जो है वो ओवरऑल इमेज भी अच्छा होता है। लोअर एब्सेंटिज्म रेट्स होते हैं, अगर हम डाइवर्सिटी को करेक्टली मैनेज करें तो ये एब्सेंटिज्म को जो है वो डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस करता है। वो तमाम लोग जो डिफरेंट होते हैं अपने वर्क यूनिट्स में, रेशियल कॉन्टेक्स्ट में या अपनी बैकग्राउंड में, उनके फिर साइकोलॉजिकली कमिटेड होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेस इंक्लाइंड टू स्टे विद ऑर्गेनाइजेशन, मोर लाइकली टू बी एब्सेंट। रिसर्च ने इंडिकेट्स ये कि पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉयज़ में, एम्प्लॉयज़ के परसेप्शन ऑफ बीइंग वैल्यूड में और उनकी जो है वो अपनी अटेंडेंस में, डेडिकेशन और जॉब परफॉर्मेंस में। जब हम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से लोगों को ला के उनको जो है वो इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको इक्वली ट्रीट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर एक वो परसेप्शन ऑफ बीइंग वैल्यूड आना शुरू हो जाती है कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें वैल्यू करती है। उसके बाद इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आ जाता है। इससे जब
हमारा एक वर्कफोर्स डाइवर्स होती है तो उससे उनकी जो है वो मार्केट अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज होती है, क्रिएटिविटी हाई होती है, फोस्टर इनोवेटिव थिंकिंग होती है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो लोग आते हैं, उनके जो है वो डिफरेंट परफॉर्मेंस होती है क्रिएटिव टास्क में, उनका जो है वो इनोवेशन जो है वो लेकर आते हैं, नोवेल्टी लेकर आते हैं, तो उससे क्या होता है कि हाई क्वालिटीज़ के आइडिया जो है प्रोड्यूस होते हैं, उससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। उसके बाद हायर क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है टीम में, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनके डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर, तो उससे क्या होता है कि ग्रेटर डिस्कशन से वो हाई क्वालिटी के जो है वो सोल्यूशंस प्रॉब्लम के लिए लेके आते हैं। इफेक्टिव ग्लोबल रिलेशनशिप बिल्ड करने में ये हेल्पफुल होता है। कल्चर डाइवर्स होगा तो हर डिफरेंट अगर आप कल्चर से लोग लेकर आएंगे तो उन्हें अपने अपने कल्चर की जो वो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कल्चरल कॉम्पिटेंस इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड एज की मैनेजमेंट स्किल, ठीक है। कल्चरल अवेयरनेस इंक्रीज़ होगी तो उससे आपकी फर्म अडेप्टेशन जो है वो डेवलप होगी डाइवर्सिटी के लिए, आपको मोर इफेक्टिव ये लेकर आएगी क्रॉस कल्चरल सिचुएशंस में, इंटरनेशनल फर्म्स के साथ काम करने में जो है वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी और जो है वो अच्छा जो है वो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। मैनेजिंग डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, हम डाइवर्सिटी को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। ओवर द पास्ट डेकेड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट हैज़ बिकम अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ कर रही है, कंपोजिशन चेंज हो रही है पॉपुलेशन की, नॉन ट्रेडिशनल वर्कफोर्स पे जो है वो रिलायंस इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए जो है वो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए होती है और एक प्ले बैक इज़ ऑफ नॉट एज इन टेंजिबल एंड प्रेडिक्टेबल, ठीक है। एक बिजनेस डेवलपिंग अ बिजनेस केस फॉर डाइवर्सिटी इज़ मोर डिफिकल्ट क्योंकि फेलियर हो सकता है सिस्टमैटिकली मेजर और डॉक्यूमेंट में कि इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी क्या होगा बॉटम लाइन पे। न्यू मॉडल एक्सेप्ट करते हैं फिलोसफीज ऑफ फॉर्मर पैराडाइम बाय प्रमोटिंग क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, उनको एक्नॉलेज करें उनके डिफरेंस कल्चरल डिफरेंसेस को और रिकग्नाइज करें और रिस्पेक्ट करें उनकी वैल्यूज़ को जिसमें वो डिफरेंशिएट करें, इससे आप डाइवर्सिटी मैनेज कर सकते हो। तो जब वो बीइंग वैल्यूड जो है वो फील करेंगे ना तो आपका टर्नओवर जो है वो लो होगा, आप डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकेंगे, ठीक है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंसेस की वजह से जो लोगों में ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली एग्जिस्ट करते हैं क्रॉस कल्चरल या डाइवर्सिटी की वजह से, तो उसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो है वो ग्रो करेगी इन डिफरेंसेस की वजह से। इंडिविजुअल अप्रोचेस क्या हो सकती हैं डाइवर्सिटी की, लर्न करें आप जो है वो डिफरेंट जो रीजन से डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन से डिफरेंट एथनिक ग्रुप से डिफरेंट रेशियल ग्रुप से जो है वो लोग आ रहे हैं, आप लर्न करें उन डिफरेंसेस को, ठीक है, उन डिफेंस के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करें, इससे आप डाइवर्सिटी को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। एम्पथी शो करें, आप जो है वो एक एम्पथाइज रिलेशनशिप बिल्ड करें एम्प्लॉयज़ के साथ, आप जो है वो फील करें उनके इमोशन को, उनकी प्रॉब्लम को कंसीडर करें, ठीक है, उनके कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेट करके, इस तरह से आप जो है वो डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ये इंडिविजुअल अप्रोचेस हम लर्न करें, एम्पथी शो करें, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस क्या होते हैं टेस्टिंग करें, प्रॉपर टेस्टिंग करें आप रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, इससे क्या होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगी ना वो कल्चरली अनबायस्ड होगी, ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ग्रुप को जो है वो फेवर नहीं करेंगे, आप मेरिट की बेस पे जब चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आप डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकते हैं, जो डिजर्विंग होगा वो प्रमोट होगा, वो हायर होगा, वो रिक्रूट होगा, उनका जियोग्राफिकल या उनका एथनिक जो है वो बैकग्राउंड मैटर नहीं करेगा, इससे आप डाइवर्सिटी को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। मॉनिटर करें, मैनेजर्स को चाहिए कि वो मैंटोर करें, गाइड करें अपनी वर्क फोर्स को ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। वर्क फैमिली प्रोग्राम्स आप एडजस्ट करें, वर्क आवर्स अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड्स, हर एम्प्लॉय की जो है ना वो फैमिली नीड्स डिफरेंट होती हैं, वो आपको सर्टेन टाइम्स पे अवेलेबल नहीं होता, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो वर्क आवर्स को जो है वो आप फिक्स करें, ठीक है, उसके इसको जो है वो फ्लेक्स टाइम भी कहा जाता है। जब वो अपनी उनकी अप्रोप्रिएट उनको अरेंजमेंट्स दी जाएंगी ना उनकी फैमिली और वर्क आवर्स से रिलेटेड, तो वो जो है वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे, इसे जो है वो फ्लेक्स टाइम कहते हैं। और स्टडीज़ ने कहा है कि जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो जॉब डिससेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ करते हैं और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी जो है ना वो इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद नीड एनालिसिस,
एनालिसिस जो नीड एनालिसिस प्रिपेयर होना चाहिए ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन हो, सीनियर मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन हो कि उनकी लोअर मैनेजमेंट, उनकी वर्क फोर्स जो है वो उनकी क्या पर्सनल और क्या ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स हैं एक डाइवर्स वर्क प्लेस सेट करने के लिए। आप देखें उनकी नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को वर्क फोर्स की, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी और फंक्शनल लेवल पे भी, उनकी लोकेशन, एथनिसिटी और जेंडर के हिसाब से नीड्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को भी जो है वो आप एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करें। एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइवर्सिटी के लिए, बहुत क्रिटिकल होता है डाइवर्सिटी चेंज एफर्ट्स के लिए। सीनियर मैनेजमेंट को चाहिए कि वो लीडरशिप प्रोवाइड करे, ठीक है, जो कि डिवीजन डेवलप करे और गोल सेट करे अपने वर्क फोर्स के लिए। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से अगर वो सपोर्ट चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो डायरेक्टली लिंक करें अपनी डाइवर्सिटी को बिजनेस के साथ, डाटा डाइवर्सिटी से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करके आप मार्केट प्लेस, वर्क फोर्स और ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए है। उन डिफरेंसेस को आप जो है वो एज एन अपॉर्चुनिटी लें। एजुकेशन जो है वो बिल्ड करती है अवेयरनेस और एक बेस बना देती है जनरल अंडरस्टैंडिंग की। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट लेवल पे बहुत ज़रूरी है, इससे जो है वो आप इंटरेस्ट और अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करते हो, जिससे जो है वो चेंज प्रोसेस जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटेंड करता है। ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये डिज़ाइन करती है बिल्ड करने के लिए जो यूज़ेबल स्किल्स होती हैं। आप जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉइज़ को जिनसे उनकी स्किल्स इन्हांस हो, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो, उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आप जो है वो प्रोवाइड करें और इन्फॉर्मेशन ये गैदर करके आप नीड एनालिसिस भी कर सकते हैं और इससे जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लरिश करने में और डाइवर्सिटी को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये जो है वो डाइवर्सिटी का चैप्टर यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।